राजस्थान में कर्फ्यू का समय बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब यदि कोई भी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी जरूरी काम के सड़कों पर पाया जाता है तो उसका कोरोना टेस्ट मौके पर ही कराया जाएगा। गुजरात में भरूच के पटेल वेलफेयर कोविड अस्पताल में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। पीटीआई के मुताबिक हादसे में 18 कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत हो गई है। इनके अलावा इस 4 मंजिला अस्पताल में 50 मरीज और भर्ती थे। सभी को सिविल अस्पताल, सेवाश्रम अस्पताल और जनवसर अल महमूद अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश के मौजूदा हालात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, कोविड की दूसरी लहर का चौथा सप्ताह 2 लाख से ज्यादा मृतक और जवाबदेही जीरो, कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। राज्यों में वायरस के खतरनाक वेरिएंट भी देखने को मिले हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश के 300 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए पीएम मोदी से अपील की गई है कि देश के वैज्ञानिकों को तमाम तरह का डेटा अध्ययन करने की अनुमति मिले जिससे वायरस को और करीब से समझा जा सके और समय रहते कुछ जरूरी कदम उठा लिए जाएं। देश में आज से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इस बीच रूस में भारतीय राजदूत ने कहा है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी से भी जल्द ही टीकाकरण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारत की सशस्त्र सेनाओं को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स दे दिए हैं ताकि वे बीमारी से निपटने के लिए जरूरी उपाय कर सकें। भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन ने हाल ही में यात्रियों के आने पर पाबंदी लगा दी थी। आज से एयर इंडिया ब्रिटेन के लिए फ्लाइट फिर से शुरू कर रही है। एयर इंडिया ने बताया है कि लंदन के लिए भारत के 3 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु से फ्लाइट उड़ान भरेगी।